हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं क्रेजी नंबर वन की एक अनदर वीडियो। ये क्या है? पतिया नतिया पटना बा देवरा पुड़ी चटना बा। ओ भाई, ओके, रोस्ट बाई क्रेजी नंबर वन। ये एक गाने के बोल हैं, ठीक है, सोच सकते हो, ये एक गाने के बोल हैं। तो चलो ये रोस्ट देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे सारावा, ये कौन चाटे की स्टाइल हवे रे? बिस्कोपड़ा स्टाइल। पहली बार कैमरा में जहां जिस वीडियो के बीच में बोल दे वाला तारे का निहुराई क्या हम तारे गोलियां मार दें डोगी स्टाइल। पतिया नतिया पटना बा। ए भाई लो, ई भौजी अपन पति परमेश्वर के कहिया से नाती के बेटा, मतलब पति ओनली नॉट परमेश्वर, समझ में नहीं आवा। एक कैमरा मैन हटा दे वीडियो। अरे भौजी, लेकिन भौजी गाना ठीक है, गोइले बाड़ी देवरा लार चटाना बा ढोणी, मतलब देवरा ढोणी चटाना बा। तो ए भौजी, एगो बात ध्यान रखियो, अभी तक खाली ढोणिये तार चटतानू, देखियो कहियो कुछ और ही मत चाट के भाग जा। जहन जी के डर रहा उहे बात आखिर हो गई। हम सर मन ही मन सोचते रहनी हो कि भैया, मतलब भौजी कहीं ऐसा का बात मत कह दे, मतलब भौजी कहत नहीं कि रोज घटत घटना बावे। तो हे भौजी, तहार जवन देवरा बानू, अरे ऊ है जवन ढोणी तहार चाटत आवे, ऊ सरा बानू प्लानिंग में बावे कि कहिया ओकरा का चांस मिल जाओ। और एक टिप चुआली कोची में, चुआली देवरा अगर मिल गया ना, मेरा सारा बता नहीं, और कोची में सरवा जी के बात ढोड़ी के होता है तो ढोड़िया में चुआई रे सरवा, ना कि तोरे मुंह में चुआई। और एगो बात तुम लोग से कह चाहते नहीं भाई लोग, जैसे कि तुम लोग का पता हो कोनो भी अश्लील गाना वाला तो ओकर स्पूम में हम एगो बात बोले नहीं कि देखो लो भाई लोग, आज हसन का गाना आइल बबे कॉल के जाके कहीं हसन का गाना मत आ जाओ। तो भाई लोग देखो लो, देवरा ढोड़ी चटना भाई इतना तो ठीक बा, चलो ये मार्केट में चल बन जाइ, उतना अश्लील नहीं खे, लेकिन सरवा हाई कौन टाइप के गाना हमर दे ना, मतलब सुनत रहो, आई मीन मतलब पढ़ सकत रहो तहन लोग के देवरा लार चटना बा। अरे सारा बात नहीं, आज देवरा लार चटना कहत रहसन, कल पर से जाकर कोनो संख्या गाना मत लिखा देव कि देवरा मुठ मारना बा। ये सब का भी दियो सब भाई, एकनी ऊपर कोनो गारंटी नहीं कोई विश्वास। हाँ देखा तो देहला सब भाऊजी, अब सब केहू के खड़ा हो जाई। रोमा रोमा का बात कहत नहीं तोप के रखो जने लइकन से ढोड़ी, तो कहे ना तोप के रखो जनी लइकन से ढोड़ी। तो ए भैया जी, भौजी लंगटे घूमो ना सर, तू हमरा का बताओ, भौजी लंगटे घूमो के सब को ढोड़ी के साथ साथ गानो देखो देखत रहो सर, तोप के घूमो जनी अपन ढोड़ी। आ भौजी कौन जी कहती है के काहे ना, ए तार बहन छे तो भौजी, अगर कोने भेटा जी हमरा सन पगलेट नू तो ढोंढिया में मुठ मार के चुआ दी, तब तू ना कहबू के काहे हम ढोप के चली। ए भौजी, बरतिया कुल बदतमीज नहीं खन लो, ठीक न, जब तू देखलैबू तो आदमी तो चोली की चीज देखेबो करिनू, जब तू देखलैबे ना करबू तो आदमी केतरी देखी। और बताओ लो भाई लोग, भौजी कहते रही के बरतिया कुल सब कहू बदतमीज बाबे खाली चोली के चीज देखता है, तू देखलेबे मत करो आदमी ना देखी, तू तो अपन वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा सीन देखावत तरू कि जवान का कुल के तू छोड़िए दो सरवा, कोनो बूढ़ो देख ली नू रे तो मुठ मार के बेहोश हो जाई। देखत रहो भाई लोग, भैया जी के बाबा मतलब भैया जी का बर्दाश्त नहीं के होकर, वही से भौजी के अपन कहाँ बोलावत रहन कैमरा मैन नियरा पेले खाती। हाँ बिल्कुल सही कहले हैं, कौन चीज करे खातिर सरवा? भैया नियरा बोलावत रहन सरवा, एक पहले बात तू कुछ दूसरे कहले हरे, अच्छा छोड़ जाए दो। त
तो अब कहाँ कहीं सर कैमरा मैन हमारे बोल बोल के बीच में डिस्टर्ब कर दिला यार। नेक्स्ट वीडियो लगाओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फाइट योर ब्रम राइट नाउ। ओके माचिस की तीली जैसा लौंडा है बहारा जन्नत दिखावता नहीं। ए भाई लोग भौजी सॉरी भौजी से कहल चाहते नहीं। ए भौजी भैया का तू का जन्नत देख ले भैया का सर्वा शरीर देख के यही तरी लगत हवे कि कितनों भैया का अच्छा से कटब पिटब तो 20 किलो से ज्यादा मांस ना निकली। एक तू जन्नत बेकार में देखा तरू इनका के जैसे ही तू अपन जन्नत देख लेबू वैसे ही इनका दाँत लग जाए सॉरी डेथ हो जाए। तो फायर ब्रिगेड को बुलाए बस ये सुन ले रहनी हां कि सरवा घर में आग लागला जंगल में आग लागला इस सरवा लहंगा में कैसे आग लग जई हो हमरा को तनी लोग बतावा लो लहंगा पहन के जब किचन में काम करेंगे तो लगेगी ना। अरे सरवा ओकरा का जंगल ना ओकरा का झाट कह देला बलम वाला है से झटका मारो अभी लइका बानी हो बलम वाला है से झटका मारो अभी लैका बानी हो। ए भाई लोग हाई भौजी के देखल के बाद तुम लोग के कौन आगे से लगा तो भौजी अभी लैका भी है सर भाई को अनहर देख ली भौजी के तो ये कही कि भौजी के 4-5 गो लैका हो किया था ना कि भौजी अभी लैका भी है आ कहती है कि धीरे से मतलब धीरे से झटका मार अरे हम रहते तार बहन चो लाने तुर देते वहीं में ढुका के अच्छा एक कैमरा मैन ये गाना में कुछ तू नोटिस कैले हो ना ना भौजी जहाँ तक कह तरीके तुरले बाबे पलंगवा पहिलका रात में यहाँ तक तो ठीक बा कोने बात नहीं के तार भता रहू सर पलंग तोड़ो चाहे तार सिल तोड़ो ठीक न ओकरा सामने कोनो दिक्कत नहीं के ना कोनो प्रॉब्लम बा लेकिन एक कैमरा मैन तने हाइयो देख ले ना मतलब देखत रहे के भौजी पूरा 60 डिग्री के एंगल में गाड़ घुमा दे तरी सारा बा जौन इनकरा से प्यार करत हुई आई मीन टू से डेट भौजी से जो लव करत हुई ओकरा तो हिलावे के पड़ते ना सारा बा खाली खोल के बैठल हुई भौजी हिला देते हाय रे मुस्कान भौजी के ना मतलब देखत रहो भौजी पूरा सेड रहली हो जैसे ही भैया एंट्री मोलन भौजी गच हो गई लिया भाई लोग खराब मत पियो लो गच के मतलब होला खुश होकर हमने के अपना लैंग्वेज एगो दूसरा अनके लैंग्वेज है भोजपुरी में ना वाला तनी काल बे के छानी में जाला ठीक न भौजी स्टंट गच हो गई हो के आ गई लोग तो मिली हमरा के एक बना मैं सॉरी तू तो ऊपर बढ़े ए कैमरा मैन ये वीडियो हटा दो सर वहाँ से मर गए सारे हटाओ वीडियो दैट वाज फनी ओ भाई अरे सारे हटाओ कट ले देखिए बस सरकार वीडियो एक कैमरा मैन एवरी कि तू मन में चाहे ना कसम से कहते नीनू अशोक भैया बहुत मस्त झांट बढ़ा के आयल बाड़ा अरे सर एक झाट ना एक मोच कहल जाला सरवा हम तनी समझ सकत रहनु अशोक भैया खराब मत पय बहुत अच्छा मोच ता लगा देख के ओई बुद्धा हो गलत हो रही चली गई भैया आपस में दोनों लड़ी ला ए अशोक भैया कहां घुसे जा रहे हैं भैया के वो आपस में दोनों लड़त हुई आ लड़त हुई का सरवा वो पटका पटकी अपने में करत हुई लेकिन हां हाई कौन स्टाइल होवे हो डॉगी स्टाइल इनको सब पता है अरे सर बता नहीं ई डॉगी स्टाइल कौन सी होला रे पहले नि हुलाओ ओकरा बाद पेल दो उहे समनवा छुएम पत्ता रखु छुएला पजमन बढ़ेला भैया का नाम सुनत रहलो उहे समनवा ई छुई हन जवन छुएला प मतलब जवन का छुएला प बढ़ेला ए भैया जी छुएला पर तो लड़बो बढ़ेला जाए कि हमारे कैमरा मैन के लड़वा धक्का छोट द तनी छोट बा तनी बड़ हो जाओ अंकल जी कहाँ घुसे जा रहे हो भाई अरे इस सर्वा सन के हटाओ वीडियो बारे नहीं तो इस सर्वा ब्लू फिल्म बना दियो सन ठीक बा हटाओ तनी हटाओ सर जल्दी हटाओ खाए वाला फिर लगा दिया खाए वाला चीज बाड़ू खाए द हो ए भैया जी उ तो साफ करा पता बाबे के भौजी खाए वाला चीज भी है जैसे तू कहत रहनु लागत बे तू दाल भात और मुर्गा भात खाए के कहत रह का खाए वाला चीज बड़ू खाए द हो सर एकला तो बढ़िया तू कह देते के पेले वाला चीज बड़ू पेले द हो ई सुन के अच्छा लागी जाता जहां तो ले जाए द हो जाता जहां ले
अरे सारा में कसन कसन गाना गावत रहो सरे भाई जा तबे जहाँ ले जाए द ए भैया हम तो कहते हैं तू भौजी के नू जहाँ ले जाता वहाँ लेना फार द पेल के कर पहुँचे तो बोल सुनत रहो भौजी के दू टीप मार लो सूत जा और बताओ लो भौजी के ऑफर देती अपन भतार के दू टीप मार लो और सूत जा ए भौजी शुकर मनाओ शुकर मनाओ के भैया का जगह पर हम नहीं के नहीं तो हम रहती नू एक टीम मार के दोबारा तो ना कहती ही होंगे उस जगह तू इतना मोटा बा का ना सारे ज्यादा मोटा नहीं के केमाच लगा के पेल देती भौजी के खबर खबर खजुआई लगे तो करवा देना कह के दू टीप मार लो सूत जा तो बस भाई लोग आज के वक्त चौथे यही खत्म करते हैं। आई होप के तुम लोग के वीडियो देखकर अच्छा लगे वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं यार कमेंट करके जरूर बताइए लो। और वीडियो में तनी मेहनत लागल बाबे कहीं से दो दिन में शूट कर ले बनी भाई लोग और हेयर स्टाइल आज के तो झांटे सुनिए अगर बताओ लोग पाता बाबे तो भाई लोग हेयर स्टाइल पर मजा लो हेयर स्टाइल पर मजा लो कॉन्टेंट देख लो यार कॉन्टेंट कैसा मिला तो हम लोग हौसलो कितना हौसलो लो प्लीज कमेंट करके बता दी हलो और वीडियो देख कुछ ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कर दी हलो अच्छा ना लगे वीडियो के डिसलाइक भी कर सकते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई लोग जल्दी ना कहनी डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम के लिंक बाबे चलो जो अभी तक फॉलो नहीं कर ले जाकर फॉलो कर लो ठीक बाबे तो मिलो जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई देखो क्रेजी भैया के बाल ना वो जल से ज़्यादा ऐसे अच्छे लगते हैं रफली पड़े हुए है ना। चलो छोड़ो जैसा कि क्रेजी भैया ने कहा कि हाँ हेयर स्टाइल पे ध्यान मत दो और वीडियो पे ध्यान दो तो अभी वीडियो में मुझे एक चीज़ जो समझ में आई वो ये थी कि भैया रिश्तों के मायने ख़त्म हो गए हैं है ना। इन भोजपुरी गानों में रिश्तों के मायने ख़त्म हो गए हैं। कोई देवर भाभी का मतलब ये हो रहा कि हाँ उनके नाभि चाट रहा है कहीं कुछ कर रहा है कहीं कुछ कर रहा है ना उसके बाद भी आगे बढ़ा जा रहा है और भाभी जी खाली शिकायत ही कर रही हैं दो लप्पड़ कान के नीचे घुमा के ऐसा दो कि वहीं देवर जहाँ चले ना वहीं बेहोश हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ फिर पति से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। लड़कियों को अपनी डिफेंस खुद करनी चाहिए पहली बात तो है ना क्योंकि जब तक वो अपनी डिफेंस करना नहीं सीखेंगी भैया ऐसे जानवर आपके घर में भी होते हैं आपके घर के बाहर भी होते हैं है ना। तो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी सीखिए और जो माँ बाप हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भैया अपने लौंडों को भी थोड़ा सा तमीज़ सिखाइए है ना थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए कि बाहर जो लड़कियाँ घूम रही हैं ना वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आप उन पर कमेंट नहीं कर सकते हैं ना ही आप उन पर ऐसी गंदी नज़र डाल सकते हैं ठीक है। चलो बाहर की लड़कियों पे मतलब कितना ही रोक लोगे बाहर अपने लड़के को ठीक कम से कम अपने घर के अंदर जो लड़का बैठा है तुम्हारा देवर है जेठ है ससुर है जो भी है उसको तो संभाल लो उसको तो संभाल लो। और ये क्या गाने हैं यार आजकल मतलब हर तरीके से जिस जिस तरीके से डबल मीनिंग बन सकता है ना उस तरीके से ये डबल मीनिंग सॉन्ग बनाते हैं भैया उस तरीके से डबल मीनिंग सॉन्ग बनाते हैं कि बिल्कुल एकदम कान से धुआं निकलना लगे मतलब जब तक ये खून ना खौला देना तब तक बिल्कुल राहत नहीं मिलती इनको है ना। उससे भी ज़्यादा वाहियात उससे भी ज़्यादा बद्दे गाने बनाते रहेंगे ये। और दूसरी बात एक ये चीज़ होती है कई बार देखो लोग कहते हैं कि हाँ लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहन के जा रही हैं इसीलिए लोग देख रहे हैं तो मैं बस उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी अगर गांव देहात में पता है ज़्यादातर लड़कियाँ सूट वगैरह पहनती हैं है ना सूट सलवार पहनती हैं साड़ियाँ पहनती हैं साड़ी में तो चलो कमर भी दिखती है पेट भी दिखता है गला भी दिखता है बहुत सारे शरीर के अंग दिखते हैं ठीक है। सूट भी पहन रही होती हैं कई लड़कियां नकाब पहनती हैं है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां वो पूरा ऊपर से नीचे तक बुरखा पहनती हैं फिर भी उन लड़कियों के साथ छेड़खानी क्यों होती है। गंदगी जो है ना वो कपड़ों में नहीं गंदगी यहाँ होती है यहाँ ठीक है। वो सामने वाला जो दरिंदा है उसको सिर्फ और सिर्फ लड़की दिखेगी बस कि हाँ भैया ये लड़की है और ऑब्वियस सी बात है जब भगवान ने इसे लड़की बनाया है तो उसमें सारे सिस्टम भी दिए होंगे मतलब उसके सारे बॉडी पार्ट्स भी दिए होंगे ठीक है। वो इमेजिन अपने दिमाग में कर लेते हैं ये साइकोलॉजी होती है क्रिमिनल साइकोलॉजी है ना। तो उस हिसाब से तो ऐसे ऐसे करके पता है इसी टाइप से करके तो मतलब इतनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लड़कियों पे लगा दिए गए हैं तुम शाम को बाहर नहीं जाओगे तुम रात में बाहर नहीं जा सकती है ना अपनी जॉब पे जल्दी से जल्दी आ जाओ जॉब से
क्योंकि बाहर लड़के घूम रहे होते हैं, तो उन लड़कों को छुट्टा छोड़ा किसने है भाई? उन लड़कों को छुट्टा किस लोग किन्नों ने छोड़ा है? आप ही ने तो छोड़ा है ना? उनको घर में दबोच के रखो फिर, या तो उन्हें ऐसी बातें सिखाओ कि बाहर जो लड़कियां घूम रही हैं वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, है ना? तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ये आप सोच में बदलाव लाएंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।